हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, एल्कोहल फिनाल ईथर की जो मेरी सीरीज चल रही थी उस पर मैंने एल्कोहल को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर मैं फिनाल की बनाने की विधियाँ आपको बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे कि आ जाए कभी आपके एग्जाम में कि आप फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, तो आप आसानी से कर पाएँ, वही मैं यहाँ पर आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो के तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम आज देख लेते हैं एल्कोहल फिनाल ईथर में फिनॉल के जो है रासायनिक गुण। क्या देख लेते हैं दोस्तों? फिनॉल के रासायनिक गुण। मार्कर में मैं इंक डाल लेता हूं, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूं। तो साथियों, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ फिनॉल के रासायनिक अभिक्रिया हमें करना है। तो सबसे जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, हम करने वाले हैं हाइलोजनीकरण। दोस्तों, मैं ऐसी रिएक्शनें बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, ताकि आपको हमेशा याद रहे, एग्जाम तक आपके साथ जाए। ऐसी चीजें नहीं बताने वाला जो कि यहीं पर याद हो जाए परंतु 2 दिन बाद आपके माइंड से निकल जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं हाइलोजनीकरण, यानी ये जानते हैं आप, हाइलोजन जो हमारा होता है एक्स होता है, और इस एक्स के स्थान पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन भी ले लेते हैं, परंतु मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3 लेते हैं। तो अब इधर से आपको ये क्लियर हो गया है कि हाइलोजनीकरण, हमको जब हाइलोजन से रिएक्शन करवानी है, चाहे हम क्लोरीन ले लें, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन ले लें, चाहे आयोडीन ले लें। तो दोस्तों, यहाँ पर फिनाल का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, तो यहाँ पर मैं फिनाल का फार्मूला लिख देता हूँ बेंजीन रिंग पर। वेरी सिंपल रिएक्शन हो जाएगी आपके लिए, यहाँ से आप वो जैसे ही लगा देते हैं तो ये आपका फिनाल की रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद जब आप देखते हैं तो ये आपका आर्थो हो जाता है, ये मेटा हो जाता है, ये पैरा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अगर यहाँ पे OH लगाए हुए हैं आप, तो इसका मतलब यहाँ से एक H निकल रहा है, तो यहाँ आपका आर्थो हो गया, यहाँ मेटा हो गया, यहाँ पैरा हो गया। इसके बाद आपको कर रहे हैं हाइलोजनीकरण, यानी हाइलोजन से अभिक्रिया। आपको पहले पता था कि आप फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो आप फिनाल का पहले फार्मूला ले लिए। इसके बाद आपको पता है हाइलोजनीकरण कर रहे हैं, तो आप क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Br2 ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? Br2 ले लिया मैंने। और हमने क्या किया, CH2 की उपस्थिति में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। किसकी उपस्थित में दोस्तों? CH2 की उपस्थित में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। तो अब ये समझना रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से जब मैं यहाँ पर इसे रिएक्शन को ऐसे करूँगा, तो जब एक इस जो ये आपका फार्मूला फिनॉल का लिखा हुआ है, सेम इधर भी आपको लिख लेना है। यहाँ पे जैसा कि फिनॉल का फार्मूला लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद इस OH को उसी प्रकार लगा लेता हूँ। ये जो Br है, एक Br ये लग जाएगा आपका आर्थो में। जब तक दोस्तों फिनाल की आप रिएक्शन करते हैं तो आर्थो और पैरा में जाता है, और जब आप एल्डिहाइड पे पहुंच जाते हैं तो मेटा में जाता है। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक बार आप Br लगा देंगे और आपको जाना कहाँ है, आर्थो और मेटा पर। तो यहाँ पर एक बार प्लस लगाकर मेटा पर भी आप ले जाएंगे, चाहे वो Br2 से करवा रहे हो, चाहे हाइलोजनीकरण हो या फिर सल्फोनीकरण हो। तो यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ, और यहाँ पर ये आर्थो हो गए, ये मेटा हो गए, ये पैरा हो गए। तो मैं एक Br पैरा में, यही Br है, मुझे आर्थो में भी दिखाना होता है, एक Br और एक Br इसी Br को पैरा में भी दिखाना होता है, तो मैं प्लस लगा के दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से एक H हमारे पास बचता है। फिर हम लोगों ने जहाँ पर ये H, ये Br लगाया है, जहाँ भी हम कुछ लगा देते हैं वहाँ से एक H बाहर निकल जाता है। तो जो ये H बाहर निकला और ये HBr ये बना देगा HBr, और आपकी जो रिएक्शन होगी वह पूरी तरह से यहां से कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों कि आपको थ्योरी क्या लिखनी है, तो वो मैं यहां पे आपको इस रिएक्शन की थ्योरी बता देता हूं। तो दोस्तों, आपने क्या किया, आपने किया कि आपने जो करना है आपको वही लिखना है। आपने क्या किया, एल्कोहल को, सॉरी, फिनाल को ले लिया और Br2 के साथ भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो आप कहेंगे जब हम फिनाल को CH2 विलायक के साथ, CH2 विलायक की उपस्थित में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, तो होता क्या है, आपने भी देखा कि यहाँ आर्थो बना, फिर इसके बाद पैरा बना। अब Br है तो ब्रोमो, Cl है तो क्लोरो, आई है तो आयोडो, OH ये फार्मूला हमारा क्या होता है, फिनाल का। अब जब हम इसमें Br लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर्थो और पैरा, अब ब्रोमो फिनाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्थो, इसके बाद हमारा ये हो गया पैरा, मेटा, आर्थो,
आर्थो, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पैरा, क्योंकि एक बार मैंने आर्थो में ब्रोमो को लगाया है, एक बार पैरा में, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्थो पैरा। अभी हमने क्या लगाया है, बी आर लगाया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्रोमो। और हमारा ये ब्रोमो को जब हम बी आर को मान लीजिए हटा देते हैं, तो एक एक फार्मूला हो जाता है फिनाल का, तो आप यहाँ से कह देंगे आर्थो ब्रोमो फिनाल। अब इसके बाद दोस्तों आप इसको तो जानते ही होंगे, एच बी आर हाइड्रो, ये एच को आप जानते हैं ये हाइड्रोजन है, और बी आर आपका ब्रोमाइड है, तो आप कह देंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके बाद आप इसे जानते हैं फिनाल है, तो यहाँ से सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन को कंप्लीट करवा चुका, सेकेंड रिएक्शन को मैं जब बताऊंगा सल्फोनीकरण। जब भी दोस्तों आपको सल्फोनीकरण रिएक्शन करनी हो, तो आप H2SO4 से सांद सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा देंगे। यदि आपको नाइट्रीकरण करना होता है, तो आप HNO3 से अभिक्रिया करा देंगे। दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब सल्फोनीकरण कराते हैं तो H2SO4 से अभिक्रिया होती है, जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो HNO3 से अभिक्रिया होती है, और जब हाइलोजनीकरण कराते हैं तो Cl2 या Br2 से या फिर I2 से अभिक्रिया होती है। और आप ये तो जानते ही हैं कि H2SO4 सांद सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैं आपको सल्फोनीकरण बताऊंगा थोड़ा सा स्पीड पर, तो यहाँ पे मैंने आपको फिनाल से आपकी अभिक्रियाएं करवा रहा हूँ, फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिनाल का फार्मूला लिख दूंगा, फिर मुझे करवाना है सल्फोनीकरण यानी H2SO4 से अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं H2SO4 का जो फार्मूला होगा वो लिख दूंगा। तो मैं H2SO4 को इस प्रकार यदि लिखूँ HOSO3H, तो यही तो बन गया दोस्तों H2 और SO4। परंतु मैंने इस प्रकार क्यों लिखा, आपको यहाँ पर अभी समझ में आने वाला है। तो मैंने बताया जो भी फिनाल की रिएक्शनें होंगी, तो पहले वो आर्थो पर जाएगी, फिर इसके बाद पैरा पर जाएगी। तो यहाँ से जो SO3 है दोस्तों, ये आपका SO3 इस आर्थो पर आएगा, फिर यही SO3 प्लस लगा के इस पर आएगा आर्थो, ये मेटा होता है और आपका ये पैरा होता है, तो आर्थो पर आएगा, फिर पैरा पर आएगा। तो यहाँ से मैं आर्थो में ले जाता हूँ, इसके बाद पैरा में ले जाता हूँ, फिर इसी में आपको मैं नाइट्रीकरण समझा देता हूँ। इसके बाद ये वीडियो समाप्त होती है, आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। SO3H और यहाँ पर प्लस लगाता हूँ, और एक ये वाला जो हमें पहले मैंने आर्थो पे कर दिया, फिर इसके बाद जब भी फिनाल से रिएक्शन होगी तो ये आर्थो पर जाएगा और पैरा पर जाएगा, तो यहाँ पे मैंने SO3H कर दिया। इसके बाद आपने क्या देखा कि आपके पास ये जो OH है, तो ये वाला OH बचा, और यहाँ से जैसे ही तुमने आर्थो पे ये लगाया, तो एक H इससे बाहर हुआ, तो ये प्लस का H2O बाहर कर दिया, तो ये रिएक्शन यहाँ से कम्प्लीट हो गई। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पर सल्फोनीकरण ना करवा के यहाँ पर हमें करवाना होता नाइट्रीकरण, तो क्या होता है ये आप आगे देखिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको नाइट्रीकरण समझाने के लिए नाइट्रीकरण की रिएक्शन कर दी है। यहां पर यदि आप NO3 नाइट्रिक अम्ल लेंगे, तो इसे आप HO NO2 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि एक बार हमको आर्थो में NO2 ले जाना होगा और एक बार पैरा में ले जाना होगा, तो मैंने यहाँ पर आर्थो में ले गया और पैरा में ले गया, फिर इसके बाद जहाँ पर हमने NO2 लगाया वहाँ से एक H बाहर हुआ, तो वो H और ये OH मिलके H2O बना लिया, तो ये भी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये NO2 आपने कहाँ कहाँ लगाया, तो NO2 आपने आर्थो में लगाया और पैरा में लगाया। तो जब आपने क्या लगाया आर्थो पैरा में, तो आप बोलेंगे आर्थो पैरा, मैं आर्थो पैरा। इसके बाद दोस्तों आप क्या लगाया, NO2, तो ये होता है नाइट्रो, तो इसे बोल देंगे नाइट्रो। और ये जब ये NO2 हट जाता है, तो ये क्या बच जाता है फिनाल, तो इसको आप बोल देंगे आर्थो पैरा नाइट्रो फिनाल। इसके बाद यदि यहाँ पर SO3 लगा था, जैसे पहले वीडियो पर SO3H, तो मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो वो दोस्तों जब आप SO3H लगा देते हैं, तो आपका बन जाता है आर्थो पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। वो क्यों बन जाता है, क्योंकि ये दोस्तों जो ये रिंग होती है, बेंजीन रिंग इस प्रकार की होती है। ये मामला मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, अब आप WhatsApp के जरिए अपने किसी भी कठिन से कठिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सवाल
सवाल को सोल्यूशन 10 सेकंड में वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर को जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 8400400 इसको सेव कर लेना है और अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है। जैसे कि इधर से आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचेंगे, मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं फ़ोटो खींचना है और आपको इधर से क्रॉप कर देना है और क्रॉप करने के बाद आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। 10 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। जैसे कि यहाँ से मैंने भेज दिया है, अब आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने आपका वीडियो सोल्यूशन आ गया है।